मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में 4,892 रुपए प्रति क्विंटल भाव में सोयाबीन खरीदी जाएगी, लेकिन सोयाबीन के भाव को लेकर सियासत गर्मा रही है। कांग्रेस ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। केंद्र सरकार ने एमपी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 4,892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने यह प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पास होने के बाद केंद्र को भेजा था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि और किसान कल्याण पीएम मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे लिए पिछले कुछ दिनों से एमपी के किसान परेशान थे, क्योंकि सोयाबीन एमएसपी से कम पर बिक रहा था। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोयाबीन एमएसपी पर खरीदा जाएगा, उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। पिछले दोनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे, सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता ना करें, सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। वहीं दूसरी तरफ एमएसपी की दर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने एमएसपी पर 6,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन खरीदी की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य की मोहन सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला, तो बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने उन्हें मनमोहन सरकार की याद दिलाते हुए आईना दिखा दिया। शिवराज जी, पहले जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी आप किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारा करते और झूठे वादे और सजबाज दिखाया करते। पहले कहते थे कि आपकी किसान की लागत आधी कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 1,000 की लागत पे 5 से 6,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन बिका करता था, और आज लागत 3 से 4,000 क्विंटल हो गई और सोयाबीन 4,000 रुपए क्विंटल बिकता है। और आप बातें करते हैं कि 4,894 रुपए देंगे, क्या 2 रुपए आप एमएसपी बढ़ाना सिर्फ 2 रुपए चाहते हैं? आपके मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री कहते हैं कि हम 4,800 रुपए की मांग करेंगे, वो 92 रुपए घटाना चाहते हैं, आप 2 रुपए बढ़ाना चाहते हैं, क्या पूरी सरकार कंफ्यूजन में है? सीधी बात है, सोयाबीन की कीमत कम से कम 6,000 रुपए क्विंटल बिके तब जाके किसान की लागत निकलेगी, ये भी मिनिमम की बात है। ज्यादा से ज्यादा तो 10,000 रुपए क्विंटल बिकना चाहिए, क्योंकि जो आपने वादा करा था, अगर 5,000 रुपए क्विंटल था तो आज 10,000 रुपए क्विंटल किसानों को मिलना चाहिए। आपके झूठ और सब्जबाग के कारण किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या इस मध्य प्रदेश में कर रहा है, इस देश के अंदर कर रहा है, और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। 2 रुपए एमएसपी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, और आपके मंत्री मध्य प्रदेश के वो 80-90-92 रुपए कम कराने पे तुले। स्पष्ट करें कि आपकी नीति और नियत क्या है, कि या वही नीति अपनाओगे जिसमें किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली पड़ेगी। इसका विरोध किसान पूरी ताकत से करेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार गैर जिम्मेदारी पूर्ण विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और अब तो लगातार झूठ बोलने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। जब मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में थी 2013-14 में अधिकतम सोयाबीन का समर्थन मूल्य 2562 था, जो कि मोदी जी की सरकार में 10 सालों में 4,892 लगभग दोगुना हो गया है, और आगामी दिनों में इसमें और भी वृद्धि होने जा रही है। कांग्रेस के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं। मुलताई में 24 किसानों की गोली मारकर हत्या करवाने वाली कांग्रेस पार्टी, जो कि दिग्विजय सिंह का ऐसा पाप है जो प्रदेश और देश की जनता कभी भूल नहीं सकती है। कांग्रेस के नेता समर्थन मूल्य के नाम पर झूठी बातें करते हैं, ये क्यों नहीं बताते हैं कि कांग्रेस की इंडी गठबंधन वाली सरकारों के राज्यों में
कहीं भी समर्थन मूल्य पे 6000 का दाम मिल रहा है सोयाबीन पर या धान पर कहीं बोनस मिल रहा है, केवल कांग्रेस के नेता झूठ बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान हितेशी है और किसानों के हितों में लगातार कदम उठाए गए हैं और आगामी दिनों में और भी क्रांतिकारी कदम किसान हित में उठाए जाएंगे। बता दें कि एमपी के किसान सोयाबीन के दाम 6000 रुपए कराने और एमएसपी पर खरीदी की मांग को लेकर बीते 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कई संगठन और राजनीतिक दल भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में मंदसौर जिले के गरौठ विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। आगे भी कांग्रेस का प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।